आठवां प्रश्न 6,40,000 रुपए, तैयार हो जाइए मधुबाला जी। आठवां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेपाल में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, ए बज्जिका, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। समय ही समय आपके पास, कुछ हारेंगे नहीं। अगर आपका उत्तर दुर्भाग्यवश गलत हो गया तो हम चाहते हैं कि सही हो। इन भाषाओं से आप परिचित हैं? हाँ सर, मैं इन भाषाओं से लगभग परिचित हूँ। भोजपुरी भोजपुर साइड में बोली जाती है, और मैथिली मिथिला का अंग है। मुझे मैथिली लग रहा है इसलिए क्योंकि वो हमारा जो नेपाल है वो सीता जी की के पिता जो थे उनका राज्य भी वही था, जनकपुर साइड में। तो मुझे लगता है कि वहाँ मैथिली भी चलती है। क्या करना चाहेंगे आप? सर, डी मैथिली को मैं लॉक करना चाहूँगी। डी मैथिली को लॉक करना चाहिए? हाँ सर। ध्यान से आपने सोच लिया है? हाँ सर। फाइनल उत्तर बताइए। सर, डी मैथिली पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, मैथिली डी, ताला लगाया जाए। आपकी क्या वजह क्या थी मधुबाला जी मैथिली बोलने की? सर, मैथिली मेरी नेपाल के लोगों से भी मुलाकात होती है क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव वहाँ हैं। आपके तो, रिश्तेदार हैं वहाँ नेपाल? हाँ, नेपाल में। तो मैं उनको बात करते आराम से देखती हूँ, अच्छे से बात वो लोग करते हैं मैथिली में। लेकिन नेपाल में भोजपुरी भी बोली जाती है और काफी अच्छी प्रतिशत है जो लोग वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। आपने कहा मैथिली डी। मधुबाला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपका 6,40,000, ये लीजिए, इसे भी रखिए अपने पास। नेपाल में नेपाली भाषा जो है वो ऑफिशियल भाषा है। 44.6% जो है जनता वहां की नेपाली भाषा बोलती है। 11.7% लोग मैथिली बोलते हैं वहां पर। भोजपुरी भी बोलते हैं 6%, थोड़ी सी कम है जी। आप मैथिली भाषा जानती हैं? हाँ सर, वो थोड़ी ज्यादा स्वीट लैंग्वेज है। अच्छा, ज्यादा स्वीट लैंग्वेज? बहुत बहुत सर। पतिदेव, आपके जानते हैं मैथिली भाषा? सर, हम लोग तो मुझे ये नहीं पता क्योंकि हम लोग खड़ी हिंदी में ही बात करते हैं एक दूसरे। अभी तक आपने मैथिली में कभी उनको? भाई साहब, आपने इनको मैथिली बोलते हुए कभी सुना ही नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी सुन लीजिए, आप अपने पतिदेव को जो भी कहना चाहे मैथिली में कहिए, अच्छी बातें बोलिएगा। सुनो, कैसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे बात करती हूँ? हाँ, तो कोई बात नहीं, आज मैथिली में बता दीजिए, प्यार का इजहार कर सकती हैं आप। सर, मेरे मतलब सटीक लाइन क्या मेरे, मैंने प्यार की भाषा ही नहीं मालूम आपको मैथिली? सर, मैथिली में मैं क्या कहूँगो? आई लव यू बोल दीजिए अपने पति देव को मैथिली में। हम वहाँ से प्यार करी छे। ओके, 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया मधुबाला जी, बहुत बधाई आपको। एक लाइफलाइन अभी भी बची है और नवा प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए, नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। आप भी ये रहा, सोलहवीं लोकसभा में निर्वाचित होने वाले एकमात्र दंपत्ति कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए सुखबीर सिंह, हरसिमरत कौर बादल, बी पप्पू यादव, रंजीत रंजन, सी प्रकाश बृंदा कारट, डी प्रिय रंजन दीपा दास मुंशी। ये नाम सुने हैं आपने? इसमें से सिर्फ बृंदा करात, प्रकाश बृंदा करात का मैंने नाम सुना है। okay. और लोगों के बारे में पप्पू यादव जी के बारे में भी सुना है, और बाकी दो लोगों के बारे में आइडिया नहीं। वर्तमान
सोलहवीं लोकसभा, सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जी सर। एक दो का ऐसा ही नाम ले लेंगे तो शायद गलत हो जाएंगे। और एक लाइफलाइन है अभी भी आपके पास, फोन अ फ्रेंड की।